हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे बिना बुकरम का गला कैसे बनाएं, तो यहाँ पे हमने गले का मार्किंग किया है। 3.5 इंच पे गले का मार्किंग करना है। जितनी भी आपकी गले की लेंथ होगी उतनी आपको लेनी है। जैसे 6 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से एक गले का मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये गले का मार्किंग किया है। आप चाहे तो जो भी आपको गले का साया डिज़ाइन चाहिए वैसा आप बना सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल गला जो है वो पहले आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें इसको गले को पहले कट करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये गला कट किया है। अभी यहाँ पे हमारा ये इसके बीच में से गला जो निकला है, और यहाँ पे हमने कपड़े को इस तरह से डबल किया है। ये देखिए, डबल किया है। डबल करने के बाद ये देखिए इस तरह से लेते हैं और ये जो है यहाँ पे हम इसको रखते हैं। और इसे यहाँ पे हमें इसको कट करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको कट किया है। इसको अच्छे से कट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको कट किया है। अब कट करने के बाद किनारी पे हम इस तरह से हल्की सी सिलाई लगाते हैं। अभी यहाँ पे हमें हल्के से इसको फोल्ड करना है, क्योंकि ज़्यादा ब्रॉड पट्टी भी हम नहीं लगाने वाले। ये देखिए, यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने किनारे पे एक सिलाई लगाई है। अभी यहाँ पे हमने ये पट्टी को तैयार किया है। तैयार करने के बाद पहले हमें ये कॉर्नर्स को रखना है। कॉर्नर्स पे इस तरह से रखना है इसे। यहाँ पे हम अल्पिन्स लगाते हैं। दूसरे साइड में भी हमें ये अल्पिन जो है वो लगानी है। अच्छे से कॉर्नर को इस तरह से लेना है। यहाँ पे भी हमें बीच में इसको एक सिलाई अल्पिन्स लगानी है। ये देखिए, यहाँ पे भी एक अल्पिन लगाते हैं। और एक्स्ट्रा जो पट्टी है आगे के साइड की, इसे हमें कट करना है। यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा जो पट्टी है इसे हमने कट किया है। अभी यहाँ पे हमें किनारी पे एक सिलाई लगानी है इस तरह से।
अभी यहाँ पे हमारी ये अल्पिन्स जो है उसको हम निकालते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको इस तरह से पट्टी को ज्वाइन किया है। अभी पट्टी को ज्वाइन करने के बाद ये जो कॉर्नर्स है कॉर्नर्स में हमें इस तरह से इसको लेना है। ये देखिए दूसरी साइड का जो कॉर्नर से उसे भी हमें जहाँ तक हमारी सिलाई है सिलाई कट नहीं होनी चाहिए वहाँ तक हमें इसको कट लगाने हैं। अब इसे अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पे हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें पट्टी को अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये गला जो है वो तैयार किया है। एक्स्ट्रा जो धागा है उसको हम कट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बिना बुकरम का गला जो है वो कैसे तैयार करना है ये मैंने आपको दिखाया है। इस तरह से आप बिना बुकरम का गला जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। जैसे मैंने ये स्क्वायर में बनाया है आप राउंड शेप में भी बना सकते हैं। और भी डिज़ाइन चाहिए तो आप डिज़ाइन के हिसाब से पट्टी को कट करके इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपल सा नेक जो है वो तैयार करके दिखाया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।